भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के किसानों के लिए किए गए कामों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कृषि अधोसंरचना के फंड का मंडियों को अत्याधुनिक बनाने में कस्टम हायरिंग प्रोसेस यूनिट विकसित करने की योजना को विस्तार देने का सुझाव दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कस्टम हायरिंग, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल कार्ड, कृषि उत्पादकों में निर्यात जैसी कई योजनाओं को साझा किया। बैठक में फैसला लिया गया कि पाम ऑयल के उत्पादन के लिए किसानों के साथ प्राइस एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट केंद्र करेगा। साथ ही डिजिटल डेटा से योजनाओं के आंकलन, फसलों के निर्यात के कर्नाटक के मॉडल को देशव्यापी किया जा सकता है।